छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस वंश से संबंधित एकमात्र अभिलेख में मणिकेश्वर देवी में नियमित नरबलि हेतु राजपुर नामक ग्राम के दान का उल्लेख मिलता है? ए सोमवंशी, बी कलचुरी, सी मराठा, डी नागवंश। तो इसका सही उत्तर है डी नागवंश। प्रश्न क्रमांक दो, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किस राष्ट्रीय आंदोलन के समय हुई थी? ए बंग भंग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन या डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। प्रश्न क्रमांक तीन, छत्तीसगढ़ से अधिकतर फसल का निर्यात ब्रिटिश किस स्थान के लिए किया करते थे? तो इसका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी बंगाल, सी कोलकाता, डी कामठी। तो इसका सही उत्तर है कामठी। प्रश्न क्रमांक चार, आठवीं सदी की सिरपुर से प्राप्त तारा की धातु प्रतिमा इन दिनों किस संग्रहालय में है? ऑप्शन है ए लंदन, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी लॉस एंजिल्स। तो इसका सही उत्तर है लॉस एंजिल्स। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक पांच पर, रायपुर का दूधाधारी मठ जो उस काल की मंदिर कला को प्रदर्शित करता है का संबंध है ऑप्शन ए कलचुरी कालीन, ऑप्शन बी ब्रिटिश कालीन, ऑप्शन सी मराठा कालीन और ऑप्शन डी गुप्त कालीन। तो इसका सही उत्तर है मराठा कालीन, सी नंबर। प्रश्न क्रमांक छह, छत्तीसगढ़ राज्य में ईसाई मत का प्रचार 1868 में ऑस्कर टिलोर नामक पादरी ने प्रारंभ किया था, तो हमें ये जानना है कि उन्होंने कहाँ किया था। तो इसका ऑप्शन है ए विश्रामपुर, बी बिलासपुर, सी नानघाट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए विश्रामपुर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक सात पर, रियासतों का भारत में सिविलियन हेतु चर्चा करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहाँ के शासक को दिल्ली बुलाया था? तो इसके ऑप्शन है ए शक्ति, बी सरगुजा, सी खैरागढ़, डी बस्तर। तो इसका सही उत्तर है डी बस्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक आठ पर, 1920 से 1940 तक छत्तीसगढ़ में मजदूर एवं किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है ए राजनांदगांव, बी रायपुर, सी रायगढ़, डी दुर्ग। तो इसका सही उत्तर है ए राजनांदगांव। प्रश्न क्रमांक 9, पंडित लोचन प्रसाद पांडे लिखित काली काल से छत्तीसगढ़ की किस विधा की शुरुआत मानी जाती है? ऑप्शन ए कहानी की, ऑप्शन बी उपन्यास की, ऑप्शन सी निबंध की और डी ऑप्शन है नाटक की। तो इसका सही उत्तर है डी नाटक की। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर, जनजातियों का पूजा स्थल जहाँ उनका देव स्थान होता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरना, ऑप्शन बी भूमि माता, ऑप्शन सी खुड़िया रानी और ऑप्शन डी महामाया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरना। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर, गोंड जनजाति मड़ाई के मुख्य दिन खुले मैदान में जो नृत्य करते हैं उसे कहा जाता है? ए हाट, बी एबालतोर, सी अंगादेव, डी नवाधावी। तो इसका सही उत्तर है बी एबालतोर। प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ में आयात निर्यात कर यानी टैक्स को किस नाम से लिया जाता था? पहला ए टकोली, बी सायर, सी कलाली, डी पंडरी। इसका सही उत्तर है बी सायर। प्रश्न क्रमांक 13, छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन 1830 से 54 तक स्थापित हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड केनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्रश्न क्रमांक 14, किस रेजिडेंट की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए फॉरेस्टर, ऑप्शन बी जेनिकन्स, ऑप्शन सी एगन्यू और ऑप्शन डी सेडिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेनिकन्स। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15, बेंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन चलाया था इसके प्रथम सूबेदार कौन थे? ऑप्शन ए महिपत राव दिनकर, ऑप्शन बी विठल राव दिनकर, ऑप्शन सी बीकाजी गोपाल
और ऑप्शन डी यादव राव दिवाकर। तो इसका सही उत्तर है बी विट्ठल राव दिनकर। प्रश्न क्रमांक 16, मराठा शासकों ने परगना पद्धति प्रारंभ की एवं दो नई जमींदारियों का निर्माण किया तो वह थी ऑप्शन ए राजनांदगांव खुज्जी, ऑप्शन बी खुज्जी सरगांव, ऑप्शन सी राजनांदगांव कवर्धा, ऑप्शन डी कवर्धा खैरागढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजनांदगांव खुज्जी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। किस भोसला शासक ने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष प्रशासन किया था? ऑप्शन ए रघुजी प्रथम, ऑप्शन बी बिंबाजी, ऑप्शन सी बेंक्योजी और ऑप्शन डी अप्पा साहेब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंबाजी। प्रश्न क्रमांक 18, कौन सा कलचुरी शासक मुगल सम्राट अकबर की सेवा में भी था? ऑप्शन ए कल्याण साय, ऑप्शन बी तखत सिंह, ऑप्शन सी नोहर साय, ऑप्शन डी प्रताप मल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कल्याण साय। प्रश्न क्रमांक 19, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन 1787 से 1818 तक किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा, बी मराठों द्वारा, सी कलचुरियों द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी मराठों द्वारा। प्रश्न क्रमांक 20, 1741 में नागपुर के भोसला शासक द्वारा रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया गया था उस समय मराठों का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए भास्कर पंत, ऑप्शन बी रघुजी भोसले, ऑप्शन सी बिंबाजी, ऑप्शन डी बेंकोजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भास्कर पंत। अब प्रश्न क्रमांक 21, छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन मंदिर जो कि 5वीं शताब्दी का माना जाता है, इसका ऑप्शन ए देवरानी जेठानी मंदिर, ऑप्शन बी सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ऑप्शन सी भोरमदेव मंदिर, ऑप्शन डी दूधाधारी मठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देवरानी जेठानी मंदिर। प्रश्न क्रमांक 22, छत्तीसगढ़ के किस नगर में एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है? ऑप्शन ए बिलासपुर, बी जगदलपुर, सी दंतेवाड़ा और डी अंबिकापुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जगदलपुर। प्रश्न क्रमांक 23, छत्तीसगढ़ के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं ए राजेंद्र प्रसाद, बी विसेंट लकड़ा, ऑप्शन सी अरमन बिस्टियन और ऑप्शन डी लेजली क्लाडियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न क्रमांक 24, द मूरिया एंड देयर घोटुल ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन ए फुरेर हेमान फोर्ड, ऑप्शन बी वेरियर एल्विन, ऑप्शन सी चार्ल्स सी इलियट, ऑप्शन डी जेप किंग। तो इसका सही उत्तर है वेरियर एल्विन ऑप्शन बी। अब प्रश्न क्रमांक 25, श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस लंदन से संबंध था? ए छेदीलाल बैरिस्टर, बी ई राघवेंद्र राव, सी प्यारेलाल सिंह, डी पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है बी ई राघवेंद्र राव। प्रश्न क्रमांक 26, बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष जो हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं, ऑप्शन ए शंकर गुहा नियोगी, ऑप्शन बी स्वामी अग्निवेश, ऑप्शन सी ब्रह्मदत्त शर्मा, ऑप्शन डी रामगोपाल तिवारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वामी अग्निवेश। प्रश्न क्रमांक 27, छत्तीसगढ़ में किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी कृषि विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय। प्रश्न क्रमांक 28, छत्तीसगढ़ राज्य में सती प्रथा उन्मूलन हेतु भोसला राजा द्वारा आदेश पारित किया गया था ए 1829 में, बी 1828 में, सी 1830 में और डी 1831 में। इसका सही उत्तर है डी 1831 में। प्रश्न क्रमांक 29, छत्तीसगढ़ में नरबलि रोकने हेतु किस अधिकारी को अंग्रेजों ने भेजा था? ऑप्शन ए चार्ल्स सी इलियट, ऑप्शन बी एडमंड, ऑप्शन सी स्मिथ और ऑप्शन डी जॉन कैंप बेल। तो इसका सही उत्तर है डी जॉन कैंप बेल। प्रश्न क्रमांक 30, छत्तीसगढ़ से संबंधित किस क्रांतिकारी की मृत्यु अंग्रेजों की कैद में असीरगढ़ जेल में हुई थी? ऑप्शन ए नारायण सिंह,
ऑप्शन बी हनुमान सिंह, ऑप्शन सी सुरेंद्र साय और ऑप्शन डी कल्याण साय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुरेंद्र साय। प्रश्न क्रमांक 31। सोना खान की जमींदारी वीर नारायण सिंह के पूर्वजों को प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए रतनपुर के कलचूरी से, ऑप्शन बी रायपुर के कलचूरी से, ऑप्शन सी अंग्रेजों से और ऑप्शन डी भोसलों से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रतनपुर के कलचूरी से। प्रश्न क्रमांक 32। राजनांदगांव की ऐतिहासिक बंगाल नागपुर काटन मिल्स की स्थापना किसने और कब की थी? ऑप्शन ए राजा दिग्विजय दास 1958, बी महंत घासीदास 1870, ऑप्शन सी जेवी मैकवेथ 1894 और ऑप्शन डी मेसर्स सवालिस कंपनी 1897। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेसर्स सवालिस कंपनी 1897। प्रश्न क्रमांक 33। प्रसिद्ध समाज सेवी शिक्षाविद एवं आध्यात्मिक गुरु जिनका जन्म पांडुका ग्राम में हुआ था, ऑप्शन ए आचार्य रजनीश, ऑप्शन बी संत पवन दीवान, ऑप्शन सी विजय गुरु और ऑप्शन डी महर्षि महेश योगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महर्षि महेश योगी। प्रश्न क्रमांक 34। डॉक्टर खूबचंद बघेल की स्मृति में राज्य शासन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है ए कृषक रत्न पुरस्कार, बी लोक कला महोत्सव, सी गुरु घासीदास पुरस्कार और डी मिनी माता पुरस्कार। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कृषक रत्न पुरस्कार। अब चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न क्रमांक 35। अंचल की जनजातियों में विवाह की अनेक पद्धतियां प्रचलित है, उनमें से पेंडुल क्या है? पहला ऑप्शन है ए दूध लौटवा, ऑप्शन बी विधवा विवाह, ऑप्शन सी सेवा विवाह, ऑप्शन डी सामान्य विवाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सामान्य विवाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।